हाजी दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, सीन कुछ ऐसा है, मैं इस समय हूँ किच्छा में, जो कि कुमाऊं में उधम सिंह नगर में पड़ता है ये किच्छा। और यहीं पे एक फूड स्टॉल लगता है जो कि बनाते हैं छोले चावल भटूरे और स्टफ आलू प्याज वाला पराठा। बहुत लाजवाब स्वाद है इनका, मैंने पहले भी टेस्ट करा है। मैंने सोचा कि ये वीडियो आपको दिखाई जाए और इनका फूड और इनका जायका आपको भी दिखाया जाए और आप लोग भी इसको टेस्ट करें। तो दोस्तों, अगर वीडियो में अगर फर्स्ट टाइम आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि नई नई जायका नया नया फूड आपको देखने को और खाने को मिले। चलते हैं, दिखाते हैं आपको कितना पुराना स्वाद है इनका, कितना पुराना काम है और क्या क्या ये बनाते हैं। पूरा एड्रेस आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, लोकेशन की बात कर रहा हूँ, ये आपकी ये हल्द्वानी की रोड जा रही है, रोडवेज थोड़ा सा आगे है। रोडवेज से थोड़ा सा आप इधर को आएंगे हल्द्वानी की तरफ को, तो गौतम गौरव छोले भटूरे का ये स्टॉल आपको दिख जाएगा सीधे हाथ में। तो इस तरीके से पूरा सेटअप है ये इनका। भटूरे बन रहे हैं गरम गरम और वहाँ पे चावल है, बाकी इनके छोले और बहुत ज़बरदस्त है, मैंने पहले टेस्ट कराए। अब हम यहाँ पे दोबारा आए हैं वीडियो बनाने इनकी और टेस्ट करने। कुछ इस तरीके से हमारे भैया हैं, उनका बेटा है, उनसे भी बात करेंगे। तो इस तरीके से पूरा सेटअप है, बैठ के आप आराम से खा सकते हैं। सामने हमारे अंकल जी भी खा रहे हैं। अंकल जी, आपसे कुछ पूछे खाने के बारे में, कैसा लगता है खाना यहाँ का? नहीं है, बढ़िया लगता है अंकल? बढ़िया लगता है। पहले भी आ चुके हैं यहाँ? बहुत पहले भी कोई बना दी है। चाहते हैं आप सबको यहाँ पे? चलिए अंकल जी, खाइए आप। तो दोस्तों, कुछ देखिए इस तरीके से। तो दोस्तों, हमारे सामने भैया हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार जी। भैया पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम गौतम माझी है। गौतम भाई? गौतम माझी। गौतम माझी, तो गौतम भैया कितना पुराना काम है अपना ये? सर मेरे को 30 साल हो गया। 30 साल इसी जगह में? जी। क्या क्या बनता अपने वहाँ? छोले भटूरे हैं, पराठे हैं, पूरी है, आलू प्याज का पराठा है, कढ़ी चावल, छोले चावल, इतना सारा आइटम बनता है आपके? जी जी। क्या क्या रेट है इनका? सर छोले भटूरे हैं 30 रुपये प्लेट है जी, पराठे 30 रुपये प्लेट है, भटूरे 30 रुपये प्लेट है, चावल 20 रुपये है, 30 रुपये है। मतलब 30 रुपये से ऊपर कुछ नहीं है? जी जी। मतलब 30 रुपये लास्ट है जी, उससे नीचे आप 20 रुपये में ले सकते हैं? जी जी। अच्छा, अपना यहाँ पे समय क्या है लगाने का? सर सुबह 7 बजे से शाम को 3 बजे तक। 3 बजे तक तो मेरे ख्याल से आप लगता है, लेकिन माल तो आपका 2 बजे तक खत्म हो जाता है। 2:30 बजे तक लगभग, 2 बजे तक अधिकतर खत्म हो ही जाता है, मैंने देखा है। अच्छा, रोज लगाते हैं आप? जी डेली लगाते हैं सर। हर दिन लगाते हैं? ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा हो जाती है? हाँ हाँ। अच्छा, जैसे कोई यहाँ पे आना चाहे हल्द्वानी या हल्द्वानी से बाहर का, तो कैसे आएगा आप तक? क्या एड्रेस है यहाँ का? ये एड्रेस है पुराना टैक्सी स्टैंड। पुराना टैक्सी स्टैंड है ये? बस अड्डा है पुराना। पुराना बस अड्डा? जी जी। अच्छा, इस टाइम पन मार्केट के सामने बोलते हैं। जी जी। और टैक्सी में यहाँ पे तो ये इसमें क्या बना रखा है आपने? ये छोले बना रखा है। एक बार दिखा दीजिए, ये देखिए दोस्तों। अरे वाह, और आपके छोलों में मेरे ख्याल सोयाबीन भी मुझे दिखती है। दो बार जब मैंने खाया तो बहुत शानदार, बहुत बढ़िया लगता है स्वाद उसका सोयाबीन का। ये देखिए कड़ी दोस्तों। और यहाँ पे भैया के बेटे हैं, आप भी अपना नाम बताइए। गौरव। गौरव, गौरव भाई हैं जो कि भैया के साथ यहाँ पे पूरा देखते हैं। ये देखिए लगभग कितने किलो छोले बन जाते होंगे भैया रोज के? 5 किलो। तो बिकता रहता होगा माल, बनता रहता होगा? यही मतलब खत्म कर काम के हिसाब से, काम के हिसाब से। तो दोस्तों, अभी हम भी यहाँ पे छोले और कड़ी टेस्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें समय दिया। तो दोस्तों, हम लगा रहे हैं अपनी प्लेट। ये देखिए काले वाले छोले हैं ये, सोयाबीन डाल के। ये देखिए जबरदस्त चटनी के साथ, मतलब 30 रुपये में आप आराम से पेट भर के खा सकते हैं यहाँ पे। भैया भी हमारे खा रहे हैं यहाँ पे। भैया कैसा लगता है आपको? बढ़िया लगता है। तो ये बन रहा है देखिए पराठा यहाँ पे। ये देखिए प्याज का बैटर यहाँ पे, प्याज और आलू का बैटर रख रखा है। ये देखिए पराठा भी, ये तवे में नहीं जाएगा, ये पूरा तेल में डूबता है, तेल में डूब के निकलता है दोस्तों। अच्छा, ये न्यूट्रीलाइट का बटर भी रख रखा आपने, ये काय में डालते हैं न्यूट्रीलाइट के बटर? ये बटर रखा हुआ क्या? ये अच्छा मसाला है ये। तो देखिए आ गया आपका पराठा।
आपके पराठा हम पराठा टेस्ट करेंगे। ये देखिए दोस्तों प्लेट हमारी आ चुकी है। दोस्तों हमारे एक भैया हैं जो कि यहाँ पे छोले भटूरे का मजा ले रहे हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार जी। तो भैया कैसे लगते हैं यहाँ पे आपको छोले भटूरे या छोले चावल? बहुत ज्यादा मस्त लगते हैं भाई साहब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये लोकल किच्चा कहीं आप? हाँ जी, अक्सर आते हैं यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, कंटिन्यू रोज। और रेट कैसे हैं इनके, मुनासिब रेट है? बहुत अच्छा, 30 रुपए थाली पेट का। 30 रुपए में भर पेट क्यों? हाँ, चलिए भैया धन्यवाद, खाइए। तो दोस्तों प्लेट हमारी बन के आ चुकी है। हमने एक लिया है यहाँ पे आलू प्याज का पराठा, चावल और काले वाले छोले और कढ़ी। तो आप लोग लीजिए वीडियो का मजा, मैं लेता हूँ यहाँ के खाने का मजा। तो दोस्तों प्लेट हमारी देखिए आ चुकी है। हमने भटूरे नहीं मंगाए हैं, ये आपका पराठा मंगाया है, ये आलू प्याज का, क्योंकि मैंने अभी तक टेस्ट नहीं करा और ये पूरा तेल में डूब के आया। लेकिन देखिए ऑयल बिल्कुल जितना था सब नैपकिन में रख गया, तो कोई नुकसान नहीं है, आराम से खा सकते हैं। सबसे पहले हम इस पराठे को ही खाते हैं और बताते हैं आपको कैसा स्वाद है। ये देखिए मैं जो कह रहा हूँ ना, ये छोले में आपकी ये सोयाबीन बहुत लाजवाब लगती है, बहुत शानदार लगती है, टेस्ट दुगना कर देती है छोले का। ये तो बाइट बनाते हैं बढ़िया सी पराठे के साथ। चीयर्स द बाइट। इन छोले का तो स्वाद है दोस्तों बहुत ही औसम है, बहुत बढ़िया। पता नहीं कि मुझे अच्छा लगता है या यहाँ पे सभी को अच्छा लगता है, कुछ अलग ही मसालों का फील है। थोड़ा सा आपको ब्लैक ब्लैक काला काला मसाला है, ये बहुत औसम लगता है। नमक मिर्चा और जायका इन छोलों का बहुत ही अच्छा है। और ये इनकी कढ़ी, कढ़ी तो मैंने बहुत कम खाई है, लेकिन छोले इनके बहुत लाजवाब है, और बढ़िया। मात्र 30 रुपए में खिला रहे हैं छोले भटूरे और छोले चावल। और ये इनकी चटनी है प्याज और खीरे के साथ। भाई ये पराठा भी बढ़िया लगा, टफिंग बहुत अच्छी है और तेल बिल्कुल नहीं है। देखिए तेल कहीं से कहीं तक नहीं है, धूप के जरूर तेल में आया लेकिन तेल इसमें है नहीं, हो सकता है सूख गया हो। तो दोस्तों ये बढ़िया जायकेदार प्लेट फिनिश करता हूँ, मिलता हूँ आपको इसे खाने के बाद। तो दोस्तों मैंने तो यहाँ पे आके इसका पराठा और काले वाले जो छोले थे बहुत लाजवाब वो टेस्ट करे चावल के साथ, मुझे बहुत बढ़िया लगा। क्योंकि 30 रुपए में खिला रहे हैं, बात 30 रुपए की नहीं है, कम की नहीं है, स्वाद की है। स्वाद बहुत लाजवाब है, बहुत पुराना इनका काम है, मुझे अच्छा लगा। आप कभी किच्छा आए तो दोस्तों यहाँ पे जरूर आना, इनके वहाँ इनके छोले चावल और छोले भटूरे और स्टफ आलू प्याज का पराठा टेस्ट करना। साफ सुथरा बिल्कुल खिला रहे हैं यहाँ पे, हाइजीन तरीके से सफाई पूरी मेंटेन कर रखी है इन्होंने। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि नया नया जायका, नई नया नई नई वीडियोज आपको देखने को और खाने को जायका खाने को मिले। मिलूंगा नई जगह, नए स्वास्थ्य को दिखाऊंगा, नए जायके को दिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।